योगी सरकार गौवंश तस्करी को लेकर बड़े कदम उठा रही है। सरकार का मंसूबा है किसी भी तरह गौवंश पर अत्याचार ना हो, लेकिन अपराधी शासन प्रशासन की परवाह किए बिना तस्करी का कार्य कर रहे हैं। आज हिंदू जागरण मंच, राष्ट्रभक्ति संगठन एवं बजरंग दल की संयुक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बबीना टोल प्लाजा पर गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया। मौके से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गौवंश तस्करी की जानकारी मिलते ही हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अंचल अड़जरिया एवं बबीना थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। टोल प्लाजा पर कंटेनर रोककर जांच की गई, जिसमें गौवंश पाए गए। कंटेनर में उपस्थित स्टाफ परिवहन से संबंधित कोई प्रपत्र नहीं दिखा सका। कंटेनर सुकमा गौ संरक्षण केंद्र लाया गया, जहाँ कुल 42 गौवंश उतारे गए, जिनका चिकित्सीय परीक्षण जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी, SDM न्यायिक एवं CO सदर भी मौके पर पहुंच गए। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। आज कार्यकर्ताओं के द्वारा बबीना टोल के पास ढाबे के सामने एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें गौवंश भरा हुआ था। 42 गौवंश बरामद हुआ है, जिसकी सुपुर्दगी सुकमा ढकमा गौआश्रय स्थल को दी गई है। और ऐसे लोग, ये लगातार आप देखिए, कहीं ना कहीं गौवंश की लगातार तस्करी जारी है। तो 2 तस्कर पकड़े गए हैं, 5-6 लोग थे, बाकी भागने में कामयाब हो गए हैं। और इनके खिलाफ़ में हमारा मानना ये है कि इनके खिलाफ़ में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, NSA की कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो लोग इसमें मेन इन्वॉल्व का मतलब ऐसे लोग जो कि इसके पीछे हैं, जैसे ये तो बहुत नौकर टाइप के लोग होते हैं जो चलते हैं ट्रकों के अंदर, लेकिन जो लोग हैं जो इस मेन गौ तस्कर हैं, उन तक इसके माध्यम से हाथ पहुंचने चाहिए। क्योंकि ट्रकों पे नंबर ज़्यादातर बदल के डाले जाते हैं। रक्सा थाने के अंदर 2 FIR दर्ज हुई, लेकिन आज तक उनके मालिक नहीं पकड़े गए, क्योंकि उन पर नंबर बदल के। ये ट्रक भी ऐसा ही है, इसका भी बहुत दिन से कार्यकर्ता पता करने का प्रयास कर रहे थे, आज भी उस पर फर्जी नंबर डला हुआ है। तो ओरिजिनल व्यक्ति का पता करके उसको NSA के अंदर बंद हो, गौवंश अधिनियम के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई हो, और कठोरतम ऐसी कार्रवाई हो जिसको याद करके गौ तस्करों का ऐसा काम करने के पहले उनका दिल दहल जाए। प्रभारी निरीक्षक बबीना और क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा चेकिंग के दौरान एक कंटेनर से 40 से 50 के लगभग गोवंश प्रतिबंधित ट्रांसपोर्ट करते हुए पाए गए, और 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। उनके संबंध में कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में लोक व्यवस्था भंग ना हो, क्षेत्र में शांति बनी रहे, इसके लिए हमारे SDM साहब भी आए हैं और मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किया जा रहा है, और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।